आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कहने को तो संघ गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इसकी जड़ इतनी गहरी है कि राजनीति के शब्द में समेटना इसके लिए बहुत ही बोना है। जिस महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, उस महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चरम पर है और इसी प्रचार के बीच एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर बैन वाला बयान दे दिया है। लिहाजा मैं फिर से पूछ रहा हूँ सर, आप कहते कहते आपने दूसरा उदाहरण दे दिया, क्या आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा महाविकास आघाड़ी सरकार आई? एक बात यह है, अगर ऐसे प्रमाण होंगे तो सरदार पटेल जी ने भी लगाया था। आप इसकी पैरवी करते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए? ठीक है, मैंने तो वो सारे संगठन, मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल दोनों पर रोक लगाने की मांग की थी। दिग्विजय सिंह ने यह बयान उलेमा बोर्ड की लिखी उस चिट्ठी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया, जिसको लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। इस चिट्ठी में आरएसएस पर बैन की मांग की गई है और दिग्विजय सिंह ने इसका समर्थन किया है। आज मुंबई में गृहमंत्री अमित शाह के सामने जब इसका जिक्र आया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। न उनकी सरकार आनी है, न बंद होना है। क्लारालुस तीन प्रयास उन्होंने कर लिए, हर बार संघ और मजबूत होकर बाहर आए। आरएसएस पर बैन वाले कांग्रेस के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के भस्मासुर हैं, वो कुछ भी बोलेंगे तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश पर मरने मिटने वाला संगठन है। घटिया शब्द जो दिग्विजय सिंह ने बोले हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीच चुनाव में कांग्रेस की तरफ से आरएसएस पर बैन की मांग उठी है, वो भी तब जब कांग्रेस का उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन है। असल में कहानी यह है कि उलेमा बोर्ड की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें आरएसएस को बैन करने सहित 17 मांगे रखी गई हैं। दावा यह है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उलेमा बोर्ड के सदस्यों से मिले, जिसमें उन्होंने उलेमा बोर्ड को उनकी मांगे मानने का भरोसा दिया। वैसे कांग्रेस ने इस चिट्ठी को खारिज कर दिया है। लेकिन चुनावी माहौल में बात निकली है तो बात आगे बढ़ गई है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के नेता आरएसएस के खिलाफ बोलते रहते हैं। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक आरएसएस की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। अब बात बैन की उठी है तो बीजेपी ने आक्रामक तरीके से पलटवार किया है।